कहीं नहीं है, वो तुम्हारे पास तुम्हारे भीतर है, जिसे तू जगह जगह ढूंढ रहा है, जिसे तू जगह जगह खोज रहा है, वो और कहीं नहीं, वो तुम्हारे पास है। जरा अपने आप को भीतर तो ले जाओ, अपने भीतर देखने की चेष्टा तो करो, अपने भीतर खोजने की चेष्टा तो करो। हम अपने भीतर तो खोजते नहीं और बाहर दौड़ लगा रहे, दौड़ते चले जा रहे, और दौड़ते दौड़ते जीवन का शाम हो जाता है, लेकिन वो मिल नहीं पाते। पास में रहते हुए भी अहर्निश साथ रहने वाला नित्य निरंतर पास रहने वाला, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने कभी देखने की चेष्टा की ही नहीं। मुख कहां ढूंढे तो तेरे पास में, मुख कहां ढूंढे रे बल्दे, मैं तो तेरे पास में, मुख कहां ढूंढे रे बल्दे, मुख तेरे पास, मुख कहां जाता है जो खो गया। ढूंढते उसे ही है जो खो जाता है। जो खोया नहीं है वो तो है, पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। निरंतर तुम्हारे अंग संग रहने वाला, केवल ये विचार कर लो, ये सोच लो, ये समझ लो, ये जान लो कि नहीं, वो तो मेरे पास है, मेरे साथ। आप अनुभव करोगे तो अनुभूति होगा। हम संसार के हर वस्तु के लिए, हर पदार्थ के लिए प्रयत्नशील हैं। मकान कैसे बने, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, दुकान कैसी बनेगी, ये कुर्सी कैसी मिलेंगे, ये सम्मान सम्मान कैसे प्राप्त होगा, हर चीज के लिए हम प्रयत्नशील हैं। जो नाशवान है, आज है कल नहीं है, क्योंकि संसार के कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, अनित्य।
लेकिन उस अनित्य वस्तु के लिए, नाशवान वस्तु के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, निरंतर। लेकिन अपने अंदर ढूंढो, अंतर्मुखी होकर के उसे भीतर ढूंढो। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन किया। श्यामवर कस्तूरी तिलकम ललाट बदले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे परमोक्ति कंकण तले वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलि गोपास्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूरा। श्यामवर वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ। अब इन दोनों में ब्रह्मा जी को दर्शन करके हर्ष तो हुआ, लेकिन दोनों में अब विवाद छिड़ गया। बड़ा कौन है? ओ कहे मैं बड़ा, ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा। अब जब दोनों में विवाद छिड़ गया तो उसी समय तेज पुंज एक प्रकट हुआ और उन्होंने उस तेज पुंज में भगवान शिव का दर्शन किया। हे नारद, हम दोनों का जो अहंकार था कि मैं बड़ा हूं, लोग कहते हैं ना, अरे ये क्या कह बता रहा है, मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला हूं। पहली बात तो कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार भगवान को पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न। अब जब
उन्होंने ज्योति को देखा तो इनका अहंकार नष्ट हो गया दोनों। तब दोनों भगवान शिव का स्मरण करने लगे। कि प्रभु हमारे मन में एक अभिलाषा है, अभिलाषा क्या है कि आपके वास्तविक रूप का हमें दर्शन हो, आपका वास्तविक रूप क्या है। ये मुझे इन चक्षुओं से मैं देखना चाहता हूं। अब दोनों को दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। जो गरीबों के प्रतिपालक हैं, जो अहंकारियों के गर्भ को मर्दन करने वाले हैं, चूर चूर करने वाले हैं, जो अविनाशी प्रभु है, वो दया करके हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें। तब दोनों सोच ही रहे थे, उसी समय उन्होंने क्या देखा एक ओम, ओम नाद नाद रूप स्पर्श में उनको सुनाई दी। और उसी समय दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन हुआ। देखो हम लोग विचार कर चुके हैं, ओम क्या है? ओम एकाक्षर ब्रह्म, ओम से ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। ओम ही भगवान शिव का रूप है। अब जब अभिलाषा जागृत हुई, हे नारद, उसी समय, क्योंकि जब तक आपके अंदर अतिशय व्याकुलता नहीं होगी तब तक भगवत दर्शन आपको नहीं हो सकता। आप जरा एक चीज सोचें, हम लोग कहते हैं कि अरे हम इतना भजन करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतने चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं,
लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। एक बार जितनी व्याकुलता हमें संसार के लिए है, जितनी व्याकुलता संसार के पदार्थों के लिए है, क्या उतनी व्याकुलता भगवत प्राप्ति के लिए हमारे अंदर है? अगर हमारा बच्चा स्कूल से आने में 10 मिनट देर हो जाए, तो हम क्या करते? यहां फोन कर, वहां फोन कर, उसको पूछ, उसको पूछ, इसको पूछ, कहां गया कहां गया, हाइकवा मचा देते। यहां तक कि रोटी भी अच्छा नहीं लगता, पा जल भी अच्छा नहीं लगता। कितनी व्याकुल हो जाते हैं। क्या भगवान के लिए, परमात्मा के लिए हमारे अंदर कभी भी ऐसी व्याकुलता हुई? जिस दिन तुम्हारे अंदर अतिशय व्याकुलता उत्पन्न होगा, उसी दिन परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है भाई। एक दूसरी बात, आप जरा अपने अंदर इस चीज को अवलोकन करके देखना। कभी एकांत में बैठ करके सोचना, विचार करना, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि तुम प्रेम किससे करते हो? देखो, याद उसी की आती है जिससे हमें अतिशय प्रेम है। पति को याद करने के लिए ध्यान नहीं करना पड़ता है। यम नियम आसन प्राणायाम नहीं करना पड़ता है। वो तो 24 घंटा याद होता ही रहता है। और भगवान को, परमात्मा को याद करने के लिए हमें आसन प्राणायाम करना पड़ेगा। ध्यान करना पड़े। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि तुम्हें संसार के व्यक्तियों से, संसार के पदार्थों से तुम्हें प्रेम है और परमात्मा से प्रेम नहीं है। अगर उससे तुम्हें प्रेम होता तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती। गोपी को ध्यान नहीं करना पड़ता है, ध्यान रखना। वो तो नारद जी से कहती है कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ,
कोई ऐसी साधन बताओ जिससे मेरे अंतःकरण से नंद नंदन निकल जाए। मैं बहुत परेशान हो चुकी क्योंकि उसे ध्यान नहीं करना पड़ रहा। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते केवल वही दिखाई देता है। अपने पति का चिंतन नहीं हो रहा है, अपने बच्चों का चिंतन नहीं हो रहा है, लेकिन उस काले कनुआ को याद नहीं करते हैं, फिर भी वो सामने आकर के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि गोपी को ना तो पति से प्रेम है, ना पुत्र से प्रेम है, ना नातेदार रिश्तेदार से प्रेम है। अगर प्रेम है तो कृष्ण से प्रेम है। सच्चा प्रेम अगर है तो कृष्ण से। इसीलिए उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को हम ध्यान करें, जो मिला हुआ है, जो हमारे अंग संग है, जो अहर्निश हमारे साथ रहता है, बाद पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा, उसको क्या करना? वही ब्रह्मा, वही ईश्वर अब ब्रह्मा जी को और विष्णु को उत्कंठा जागृत हुई, दर्शन प्यास जागृत हुआ, व्याकुल हुए। और उसी समय भगवती उमा के साथ भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव, शंभो काशी जी।
जयकारा बड़ी जोर से लगाते हो भाई, भाई, भाई। इतने जोर से जयकारा नहीं लगाया।
भगवान शिव उमा के साथ जब दर्शन दिए, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उनकी स्तुति की। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तुति की है, नमस्कार किया, भगवान से पूछा, प्रभु आप किस प्रकार से प्रसन्न हो? पूजा से या ध्यान से? कैसे आपको प्रसन्न करना चाहिए? इस बारे में आप मुझे बताएं, उपदेश करके धन्य करें।
ब्रह्मा जी कहते नारद, भगवान श्री हरि के बात सुन करके और भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए प्रीत पूर्वक कहे। भगवान शिव बोले, तुम दोनों की भक्ति से मैं अतिशय प्रसन्न हूं। मेरे रूप का पूजन चिंतन निरंतर करना चाहिए। निरंतर, ये नहीं कि एक दिन किया कल हमसे। एक भगत जी पूछ रहे थे कि महाराज जी आपने बताए थे कि शिवरात्रि को पूजन कर लो तो साल भर का पूजन की फल प्राप्त हो जाता है, तो महाराज फिर रोज रोज पूजन करने की आवश्यकता क्या है? अरे शिवरात्रि आए, रात को पूजन करो, हो गया। नहीं, अभी हम लोग चिंतन कर रहे थे, जिससे प्रेम होगा उसके सेवा किए बगैर रहा ही नहीं जाए, उसकी पूजा किए बगैर अगर जीवन में नियम है तो आप अगर उसकी सेवा न करो, जैसे एक रोज क्योंकि जहां मैं मथुरा में विराजता हूं आश्रम में, वहां ठाकुर कृष्ण बलदेव का श्री विग्रह है, तो लोगों का एक नियम है कि चाहे कभी भी 24 घंटे में दर्शन करने अवश्य आए। तो एक रोज मैंने उनसे पूछा, क्योंकि देर हो गई थी, ठाकुर जी का शयन हो रहा था और बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं रहा, कोहरा सा। तो मैंने उनसे पूछा कि भगत जी, इतनी रात को और ठंड में जो कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और आप लोग बाग घर में रजाई लेकर के बैठे रहते हैं और आप जो है इस ठंड में भागे भागे दर्शन के लिए आए हो, तो उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी, मेरा एक नियम है कि जब तक मैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर लेता हूं तब तक मुझे चैन पड़ता ही नहीं है। ऐसे लगता है जिस दिन मैं बाहर जाता हूं और ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है तो ऐसे लगता है कि आज पता नहीं मेरा क्या खो गया। और एक बात और बताऊं, हम लोग शायद ये सोचते हैं कि ठाकुर जी का पूजन करके, परमात्मा का पूजन वंदन अर्चन करके हमने उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लू कह भी देते हैं, हम तुम्हारे इतनी पूजा अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं,
तुम्हारा भजन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन तू मेरा एक भी नहीं सुनता। मेरे भाई, ठाकुर जी के पूजन अर्चन वंदन करके हम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना। हम तो इसलिए उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका वंदन करते हैं, क्योंकि उनकी पूजा करने से हमें आत्मसुख मिलता है। हमारा अशांत मन शांत होता है, तो हम भगवान के लिए नहीं, हम अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए हम भगवान की सेवा पूजा करते, परमात्मा की सेवा पूजा करते। उनके ऊपर कोई वो नहीं है, भगवान का तो तुम पूजा करो चाहे मत करो, चाहे भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, चाहे उनको भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, उनका स्तुति करो चाहे मत करो, चाहे उनका नाम जप करो चाहे मत करो, उनका जो काम है वो तो करेंगे ही करेंगे। तुम नहीं करोगे तो भी वो कृपा करते हैं, लेकिन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सुख, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है, तो हम अपने सुख के लिए, हम अपने सुख के लिए भगवत आराधना करती हैं, भगवत सेवा करती हैं, भगवत पूजा करती हैं। हम अपने माता पिता की सेवा इसलिए नहीं करते कि उनके पास धन है, इसलिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्वतः अपने आप में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। भगवान शिव ने कहा, हम तुम दोनों से अत्यधिक प्रसन्न है और मेरे इसी रूप का पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों मेरे बाएं और दाएं अंग से प्रकट हो। लोक पितामह ब्रह्मा दाहिनी पार्श्व से और विष्णु बाएं पार्श्व से भगवान शिव के प्रकट हो। कभी कभी हम लोग को शंका उत्पन्न हो जाती है, कि भगवान विष्णु से ने ब्रह्मा को प्रकट किया, भगवान विष्णु से ही सब कुछ प्रकट कर। देखो, किसी कल्प में भगवान विष्णु से प्रकट है तो किसी कल्प में भगवान शिव से प्रकट है, एक कल्प के भेद से अलग अलग कथाएं हैं। तो
इसमें पहली बात तो आप एक चीज समझ लेना कि कभी भगवत लीला में, भगवत कथा में, भगवत नाम में संशय नहीं रखना चाहिए। ये लीला जो सुनाई जा रही है, जो हमने ये लीला सुनी है, तो किसी न किसी कल्प में ये लीला हुआ है। इसीलिए ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उस लीला का लेखन किया। लीला हुआ है तभी आज ऋषियों के माध्यम से ये श्रवण करने को हम लोगों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये लीला नहीं हुई, लीला हुआ है। भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं और मनोवांछित फल आप दोनों को देता हूं। ब्रह्मा से कहे आप सृष्टि करो। भगवान नारायण से कहे आप पालन करो। और मेरा ही अंश जो रुद्र है, उसको संहार का कार्य दिया जाएगा। लेकिन ये जो तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव कहते हैं इन तीनों में कभी भी भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। ये अभेद है, तीनों एक ही। ये नहीं कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है और रुद्र अलग है। तीनों को कार्य अलग अलग है, कार्य क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन तीनों है एक। जैसे दीपक है, चाहे दिया सोने का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, लोहे का हो या आटे का हो, चाहे उसमें बत्ती कपास के लगाओ, चाहे धागे का लगाओ और चाहे वस्त्र का लगाओ, चाहे उसमें गैया का घी डालो, चाहे भैंस का घी डालो, चाहे उसमें तेल डालो, लेकिन प्रकाश गैया के घी का, सोने के दीपक में गैया का घृत डाल करके और कपास का बत्ती बना करके अगर हम रखें तो क्या उसका प्रकाश अलग होगा? और लोहे की दीपक में सरसों की तेल की और कपड़े की बत्ती बना करके रखें तो क्या उसका प्रकाश अलग होगा? ज्योति एक है, प्रकाश एक है।
दीपक भिन्न भिन्न है, तेल तरल पदार्थ भिन्न भिन्न है, बत्ती भिन्न भिन्न है, लेकिन प्रकाश एक है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका नाम चार हो सकता है, लेकिन व्यक्ति एक है। इसी प्रकार से ये जो तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, एक चीज और आप समझ लो, भगवान नारायण जो है शतोगुण संपन्न है, इसीलिए भगवान नारायण श्वेत वर्ण, शतगुण का श्वेत रूप है। और ब्रह्मा रजोगुणी है, इसीलिए रजोगुण का जो वर्ण है वो रक्त वर्ण है। और भगवान रुद्र तमोगुणी है, इसीलिए उनका श्याम वर्ण है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, रजगुण अगर रजोगुण ब्रह्मा के अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर नहीं होगा तो सृष्टि नहीं कर सकते। अगर शतोगुण विष्णु जी के अंदर नहीं होगा तो पालन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो भेदभाव हो जाएगा। और तमोगुण अगर रुद्र देव के अंदर नहीं होगा तो संहार नहीं कर सकते। तो ये तीनों देवों के अंदर ये तीन गुण हैं, सत रज तम, श्वेत रक्त और श्याम। तो भगवान शिव ने कहा, जो कोई भी इन तीनों में भेद बुद्धि रखता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, भगवान शिव कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, ये भगवान शिव का वचन है, वो रौरव नर्कगामी होता है जो भेद बुद्धि इन तीनों में रखे, क्योंकि तीनों एक है, मिट्टी एक है, चाहे उसे खिलौना अनेकों प्रकार के बना लो, चाहे उसे घोड़ा बना लो, हाथी बना लो, राजा बना लो, सिपाही बना लो, चौकीदार बना लो, चोर बना लो, लेकिन मूल में क्या है, मिट्टी। इसलिए अपने इस मस्तिष्क से
ये निकाल देना कि ये तीनों अलग अलग है। भगवान शिव बोले कि 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन है, 4000 युग का और 4000 युग का एक रात होती है। ये किसका? ब्रह्मा का। 30 दिन का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इसलिए वर्ष के प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। एक दिन के बराबर है ब्रह्मा के। और इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थिर रहती है। और भगवान शिव के मुख से जो श्वास प्रकट होता है, जिसके 21,600 दिन और रात होते हैं, भगवान शिव को के ये वचन श्रवण करके भगवान विष्णु ने प्रणाम किए और उनके वचनों का शिरोधार्य किया, ग्रहण किया। ये बात सुन करके भगवान शिव ने से भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आपने बड़ी अनुग्रह की मेरे ऊपर, जो आपने ये सेवा मुझे प्रदान की। भगवान शिव ने दोनों को आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए और उसी समय से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो गई। भगवान ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस शिवलिंग की पूजा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र